पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का अपनी पत्नी दिव्या सिंह और अपने बेटे अनिरुद्ध सिंह से विवाद अब पंचायत तक आ गया है। पूर्व राजघराने के विवाद को लेकर मंगलवार को कुम्हेर उपखंड के गांव पैंगोर में माता चामुंडा के मंदिर पर 36 कौम की पंचायत हुई। पंचायत में लोगों ने निर्णय लिया कि जल्द ही एक बड़ी पंचायत होगी और विवाद का समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद 51 सदस्यों की एक कमेटी ने पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की। कुम्हेर के पैंगोर गांव स्थित चामुंडा माता मंदिर में 12 बजे ये पंचायत हुई। तकरीबन सवा घंटे चली इस पंचायत में लोगों ने निर्णय लिया कि पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह 36 कौम के रक्षक रहे हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है जिसे 36 कौम कतई सहन नहीं करेगी। वहीं पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह से पंचायत में हुई वार्ता के बारे में उन्होंने बताया। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने 51 सदस्यों की कमेटी से 24 मई को कोर्ट का फैसला आने तक धैर्य बनाकर रखने के लिए कहा। कुम्हेर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह महरवर ने बताया कि पूर्व राज्य परिवार में चल रहे पारिवारिक विवाद पर यह पंचायत की गई। प्रताप सिंह ने बताया कि इस पंचायत में लोगों ने अपने अपने विचार रखे। पंचायत में कहा गया कि महाराज विश्वेंद्र सिंह सभी समाज की नाक है और उनके साथ अन्याय होगा तो वह सहन नहीं किया जाएगा। बच्चा बच्चा जाट समाज का पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ है। हालांकि पंचायत में शामिल लोगों ने फैसला ये भी किया है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया जाएगा। वहीं कुछ लोगों ने पंचायत में कहा कि यह राजघराने की प्रतिष्ठा और मान के सम्मान की बात है। पूर्व राज परिवार के विवाद पर आम लोगों में भी दर्द है क्योंकि भरतपुर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह एक समाज के नहीं बल्कि 36 कौम के मुखिया है, ऐसा भी इस पंचायत में शामिल लोगों ने कहा। पंचायत में शामिल लोगों ने कहा कि मुखिया के साथ जिस तरह का अत्याचार और अन्याय हो रहा है वह सहन नहीं किया जाएगा और इसके लिए आगामी दिनों में एक महापंचायत का आयोजन कर इस विवाद को सुलझाने के प्रयास किए जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी दिव्या सिंह और अपने बेटे अनिरुद्ध सिंह पर मारपीट करने और उन्हें खाना नहीं देने जैसे आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उनके पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचने और उस पर कब्जा करने जैसे आरोप भी विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे पर लगाए हैं। इसके साथ ही विश्वेंद्र सिंह ने वरिष्ठ नागरिक के रूप में अपनी पत्नी और बेटे से भरण पोषण भी मांगा है और इस संबंध में उन्होंने पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ उपखंड अधिकारी ट्रिब्यूनल में प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। वहीं उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने इन सभी आरोपों को सरासर गलत बताया है। उनका कहना है कि विश्वेंद्र सिंह खुद मोती महल को बेचने के प्रयास कर रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।